नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। देश में लॉकडाउन चल रहा है, सबको घर पर रहने की हिदायत दी गई है। हम भी घर पर हैं और वहीं से आपके लिए शो कर रहे हैं। इस घर पर रहने की हिदायत का पालन कौन करवा रहा है? पुलिस। और कैसे, इस वीडियो में देखिए। पहला मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का है। पुलिस के कुछ जवानों ने मजदूरों को उकड़ू बैठाकर छलांग लगवाई। मजदूर उठकर चलने लगे तो फिर से वैसा ही करने को कहा। मामला सामने आया तो बदायूं पुलिस ने माफी मांगी और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। एसपी अशोक कुमार त्रिपाठी बोले, वीडियो हमारे क्षेत्र का है। लॉकडाउन की घोषणा के बाद पुलिस तैनात की गई थी, वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने उस सिपाही को फॉरन ड्यूटी से हटा दिया है। जिले का प्रमुख होने के नाते मैं माफी मांगता हूँ और शर्मिंदा हूँ, क्योंकि इस एक्शन की जरूरत नहीं थी। दूसरा वीडियो आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी जिले का है। इसमें एक सब इंस्पेक्टर कुछ लोगों को लाठियों से पीटते दिख रहे हैं। इन लोगों में औरतें भी शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश की होम मिनिस्टर मेघा थोती सुचरिता ने डीजीपी को कड़ा एक्शन लेने का निर्देश दिया और डीजीपी ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। हम जानते हैं पुलिस के जवानों पर बहुत दबाव है, लेकिन दबाव का मतलब ये नहीं कि किसी निर्दोष व्यक्ति को तंग किया जाए। किसी की गलती हो तब भी पुलिस को चाहिए कि खुद कानून न तोड़े, सख्ती दिखाएं लेकिन कानून के दायरे में। और इसी सोच पर चलते हुए इन दोनों मामलों में कार्रवाई भी हुई। ऐसा नहीं कि पूरा प्रशासन ही गलतियां कर रहा है। देश भर में कई कलेक्टर्स हैं जो अपने इलाके से गुजर रहे मजदूरों को पानी और खाना देने का आदेश जारी कर चुके हैं। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसा कर रही हैं। ऐसी चीज़ों की तारीफ बनती है, लेकिन जहाँ गलती हो वहाँ सख्त सवाल उठाना हमारा काम है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। शो की शुरुआत में बात करेंगे आंकड़ों की। आखिरी अपडेट आने तक देश में कोरोना वायरस के 690 से ज्यादा मामले सामने आए। 67 लोग ठीक हो चुके हैं। मौतों का आंकड़ा बढ़कर 17 हो गया। सबसे ज्यादा 137 मामले केरल और 130 मामले महाराष्ट्र में चल रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, जिन्हें सुनकर लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को भी कोरोना संक्रमण हो चुका है जो कभी देश से बाहर नहीं गए और ना ही ऐसे लोगों के निकट संपर्क में रहे। भारत सरकार कोरोना संकट को लेकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन डिले हो गया है, माने संभवतः अभी शुरू नहीं हुआ है। सरकार ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का संक्रमण पर असर भांपने के हिसाब से अभी बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन एक शख्स की गलती भी भारी पड़ सकती है। भारी गलतियों के जिक्र पर हम आपको दुनिया का हाल बताते हैं। दुनिया के 175 देशों में अब तक कोरोना वायरस के 5.25 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 24,000 को पार कर चुका है। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 8,000 को पार कर गया है। इटली की सरकार ने कहा कि देश महामारी की पीक पर नहीं पहुंचा है। यहां पीक पर पहुंचने से मतलब है सबसे बुरी स्थिति। संक्रमण एक स्तर तक पहुंचने के बाद नीचे आने लगता है। आज दिन में ही ये भी खबर आई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष के खुद संक्रमित होने का ये पहला मामला है। इससे पहले ईरान के उपराष्ट्रपति के संक्रमित होने की खबर आई थी। अब देश की तरफ लौटते हैं। कोरोना संक्रमण के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन का नतीजा देश की अर्थव्यवस्था और खास तौर पर गरीब जनता पर पड़ेगा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक समाधान पेश करने की कोशिश की। कहा कि सरकार 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने खाते में पैसे डालने से लेकर अनाज और गैस सिलेंडर तक देने की बात की। सरकार की मंशा गलत नहीं लगती, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सरकार के रोडमैप में कोई खामी नहीं थी। सुनने में 1,70,000 करोड़ की रकम छोटी नहीं लगती, लेकिन भारत जितने विशाल देश की GDP के हिसाब से ये रकम उतनी बड़ी भी नहीं। ये भारत की GDP के 1% से भी कम के बराबर है, जबकि उम्मीद और ज़रूरत दोनों ज़्यादा थी।
इंडिया टुडे हिंदी के संपादक और आर्थिक मामलों पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान तिवारी से हमने बात की। उन्होंने बताया कि ये पैसा देने से सरकार की माली हालत पर क्या फर्क पड़ेगा। कोरोना के लिए भारत बंद होने के 3 दिन बाद सरकार ने अपना पहला आर्थिक पैकेज घोषित किया। आमतौर पर ऐसी परिस्थिति 5% से नीचे है तो कोई बड़ा पैकेज लाने से पहले सरकार को कई बार सोचना पड़ रहा था। इसलिए कल जो पैकेज आया उसके 3 बड़े हिस्से हैं। पहली चीज तो जो पैकेज 1.7 लाख करोड़ का जितना बड़ा पैकेज है, वस्तुतः उतना पैसा सरकार के खजाने से नहीं निकलेगा, कैश आउट उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा पैकेज दिखाई देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावितों के हाथ में कोई नई राशि रखने नहीं जा रही। जिन स्कीमों में पहले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जारी हो जाएंगी, खासकर किसान सम्मान निधि की किस्त पहले जारी होगी, जिसका एक हिस्सा सरकार ने पिछले दिनों बजट घाटे के कारण रोक रखा था। इसे समझना जरूरी है कि भारत में सरकार के पास फंड्स की सीमाएं बहुत कम है और राजकोषीय घाटा काफी बड़ा है। सबसे बड़ा फंड जो इस समय अवेलेबल है सरकार के पास वो 11 लाख करोड़ का पीएफ फंड है। इसे सारी की सारी सारी कोशिशें पीएफ फंड पर डाल दी गई है। जो जिस पैकेज की घोषणा कल की गई है उस पैकेज में जो भुगतान नगद किए जाने हैं उनके लिए बजट पहले से उपलब्ध था 70-75 हजार करोड़ रुपए का, इसलिए उस पर तत्काल बजट पर कोई पैसा नहीं निकलेगा। जो सब्सिडी दी जानी है या जो फ्री सिलेंडर दिए जाने हैं जुला के तहत, उसके लिए तेल कंपनियों को जो केंद्र सरकार सब्सिडी देती है या बजट से सब्सिडी दी जाती है उसे रोक लिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। इसके अलावा पैकेज का एक हिस्सा सस्ता अनाज बांटना है गरीब लोगों को मुफ्त, और उसके साथ दाल बांटनी है। सरकार के पास अनाज भंडार काफी ज्यादा है और बड़े पैमाने पर अनाज भंडार है जो आमतौर पर वेस्ट हो रहा है, और अभी जबकि रबी की क्रॉप नए सिरे से आने वाली है, उसकी हार्वेस्ट के बाद रबी का अनाज गोदामों में पहुंचना शुरू होगा, तो सरकार के लिए अनाज भंडार को खाली करने का मौका है। सरकार ने किसानों, गृहिणियों, कम तनख्वाह वाले कर्मचारियों और मजदूरों के लिए ऐलान किया है, लेकिन कुछ लोग छूट भी गए। मिसाल के लिए ऐसे मजदूर जो पंजीकृत नहीं है, यानी सरकार के सिस्टम में दर्ज नहीं है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बावजूद प्रवासी मजदूरों तक मदद पहुंचाना सरकार के लिए चुनौती बनने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए पी विद्यनाथन अय्यर ने एक रिपोर्ट की है जिसमें सरकार के आर्थिक पैकेज पर कई टिप्पणियां हैं। अय्यर ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि सरकार अगर लॉकडाउन से पहले आर्थिक पैकेज का ऐलान कर देती तो संभवतः इतने मजदूर अपने घरों के लिए नहीं निकलते, वो भी तब जब ट्रेनें और बसें नहीं चल रही हैं। कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं, जैसे मनरेगा में मेहनताना बढ़ाया गया लेकिन बड़े पैमाने पर काम खुल नहीं पाएगा क्योंकि संक्रमण का खतरा है। इसलिए ये तर्क दिया जा रहा है कि सरकार इस पैसे को भी सीधे खाते में ट्रांसफर कर सकती थी। सरकारें और कहां चूक गई, सुनिए विशेषज्ञ से। इसलिए जो 1,70,000 करोड़ का पैकेज है, ये मूलतः बहुत ही गरीब लोगों को या बहुत ही छोटे लोगों को तक खाद्य सहायता पहुंचाने के लिए, किसानों की जेब में पैसे डालने के लिए। पर जो समस्या है इस पूरे कोरोना की बंदी से, वो 2 जगह सबसे ज्यादा है। वो जगह छोटे उद्योगों में, छोटे मझोले उद्योगों में, सर्विसेज सेक्टर की कंपनियों में है। उन्हें सीधा इस पैकेज से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, या अन्य देशों की तरह सरकार लोगों के हाथ में कोरोना की वजह से कोई एकमुश्त नया पैसा नहीं रख पाई है जैसा कि दुनिया के कई देशों ने किया था। इसकी वजह यह है सरकार के पास बजट की सीमाएं हैं। एक हिस्सा और छूटा है इसमें, जिसकी अपेक्षा की जा रही थी कि सरकार शायद जीएसटी के रेट में कुछ कमी करेगी ताकि डिमांड बढ़ाई जा सके। अब बात करते हैं कोरोना पर सरकार के कदमों से आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर की। लॉकडाउन एक सख्त लेकिन बेहद जरूरी कदम था जो संक्रमण रोकने में मदद कर सकता है। इसका फायदा हर किसी को होगा, लेकिन इसकी मार पड़ी है हमारे आपके शहरों में काम करने वाले मजदूरों पर। ज्यादातर मजदूर हिंदी पट्टी से आते हैं, यूपी और बिहार के गांवों से। देश भर से खबरें आ रही हैं कि मजदूर घर पहुंचने के लिए कैसी कैसी दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। 26 मार्च के दिन महाराष्ट्र के यवतमाल में पुलिस ने 5 कंटेनर ट्रकों को रोका। ड्राइवरों ने कहा जरूरी सामान ले जा रहे। पुलिस ने अंदर झांका तो दोनों ट्रकों में तकरीबन 350 मजदूर थे जो हैदराबाद से जोधपुर जा रहे थे। अब पुलिस ये पता करने में लगी है कि ये ट्रक 450 किलोमीटर बिना पकड़ में आए चले कैसे। ट्रकों को वापस भेज दिया गया और मजदूर वो 1100 किलोमीटर का बचा सफर पैदल पूरा करेंगे। ऐसी दिक्कतों से रेलवे भी जूझ रहा है। रेलवे ट्रेनों का संचालन रोक चुका है। आखिरी ट्रेन डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस 26 मार्च की सुबह अपनी मंजिल तक पहुंच गई। अब रेलवे खाली ट्रेनों को उनके शुरुआती स्टेशन पर ले जाकर खड़ा कर रहा है। कई मजदूर इन ट्रेनों में चढ़कर वापस आ रहे हैं। एक खाली ट्रेन में मजदूर केरल से यूपी के झांसी तक पहुंच गए।
जब झांसी में इतने सारे मजदूर एक साथ इकट्ठा उतरे तो प्रशासन को ये बात पता चली। ऐसा देश में कई जगह हो रहा है। रेलवे ने अपनी तरफ से तत्काल खाली ट्रेनों को वापस लाने का काम भी रोक दिया। लौट रहे मजदूरों के लिए उनका गांव, उनका घर उम्मीद की आखिरी किरण है कि गांव में भूखे नहीं मरना पड़ेगा, तो वो जैसे बन पड़ रहा है लौट रहे हैं। ये बताता है कि सरकार 1,70,000 करोड़ के ऐलान के बावजूद देश की गरीब जनता को भरोसे में लेने में नाकामयाब हुई है। प्रवासी मजदूरों को अगर शहरों में खाना मिल रहा होता, बच्चे कंधे पर लेकर वो सड़कों पर क्यों उतरते? इसका एक दूसरा पहलू भी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष और उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखकर मांग की कि यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार भी बिहार के लोगों को घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करे। नीतीश कुमार को चाहिए कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आपात बैठकें करे और सुनिश्चित करे कि मजदूरों को भरोसे में लिया जाए और शहरों में रोका जाए। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत पर अलग से एक लल्लन टॉप शो हो सकता है, इतनी बिगड़ी हुई हालत है। आपको बताया जा सकता है कि कितने कम डॉक्टर हैं, कितने कम अस्पताल हैं, कितने कम बेड हैं। तैयारी करने की जो घोषणा हुई थी वो पूरी नहीं हुई, लेकिन ये बताने का समय ऐसा है कि कुआं खोद लिया जाए वक्त के लिए। इसलिए हमारी अपील है कि बिहार प्रशासन जितनी जल्दी हो सके ऐसे इलाकों में मास टेस्टिंग शुरू करे जहां मजदूर बड़ी संख्या में शहरों से लौटे हैं। ये इकलौता तरीका है जिससे हम ये जान सकते हैं कि बिहार में संक्रमण की हालत क्या है। लेकिन बिहार की स्थिति तो ये है कि यहाँ पर डॉक्टरों को HIV किट का इस्तेमाल करके कोरोना के मरीजों की जांच करने को कहा जा रहा है। बुरी स्थिति है, उम्मीद की जा सकती है, प्रार्थना की जा सकती है कि स्थिति और न बिगड़े। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य भी खतरे में है और इसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी है सरकार और RBI की। गुरुवार को सरकार के राहत पैकेज के बाद आज रिजर्व बैंक ने भी ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लिए। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या बड़े ऐलान किए, हम बताते हैं आपको। पहला, रेपो रेट को 5.15% से घटाकर 4.40% कर दिया गया, यानी 0.75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को 0.90 बेसिस पॉइंट घटाकर 4% कर दिया गया। ये बहुत बड़ी कटौती है। रेपो रेट वो ब्याज दर होती है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर बैंक RBI को पैसा उधार देते हैं। RBI के इन फैसलों से बैंकों से कर्ज लेना बहुत सस्ता हो जाएगा। दूसरा बड़ा फैसला, RBI ने बैंकों के कैश रिजर्व रेशियो की लिमिट 4% से घटाकर 3% कर दी है। आसान भाषा में समझिए, RBI के इन फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था और हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक रेपो रेट तभी घटाता है जब बाजार में लिक्विडिटी की कमी हो, यानी बाजार में पैसे की कमी हो। रेपो रेट घटाने से बैंकों को RBI से सस्ता ब्याज मिलेगा, इससे बैंक भी कम ब्याज दर पर लोन देंगे, लोग बैंकों से लोन लेंगे, नए कारोबार शुरू करेंगे, रोजगार बढ़ेगा। और अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है क्योंकि कोरोना की वजह से काम धंधे बंद हो रहे हैं। रेपो रेट घटने के बाद बैंकों को भी ब्याज दरें घटानी होती हैं, इसलिए जो पहले से लोन चल रहे हैं उन पर भी ब्याज कम होगा, यानी लोगों पर EMI का बोझ कम होगा। हालांकि जिनका पैसा सेविंग अकाउंट में जमा है उनको ब्याज दर कम मिलेगी। इन फैसलों का और क्या असर होगा, सुनिए हमारे आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ अंशुमान तिवारी जी से। बैंक अपने हिसाब से तय करेंगे कि उनको कैसे ये करना है, वो पूरी किस्त का भुगतान रोकेंगे, ब्याज का भुगतान रोकेंगे, सबको देंगे कि नहीं देंगे। अभी तत्काल हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक हमारे पास फ्लैश है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो सभी तरीके के कर्जों की 3 महीने की किस्तों का भुगतान रोक देगा। ये फैसला तात्कालिक तौर पर उन बहुत सारे लोगों को मदद करेगा जिनकी तनख्वाहें रुक रही हैं, जिनके अकाउंट्स है, जिनके भुगतान डिले हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं। लेकिन इसके बाद बैंक 3 महीने के बकाए को वसूलेंगे कैसे? लॉकडाउन के बाद जो लोग EMI भरने को लेकर चिंतित हैं उनके लिए भी RBI ने बड़ा ऐलान किया है। बैंकों से कहा है कि 3 महीने तक लोन्स की EMI न ली जाए, यानी अगर EMI 31 मार्च के बाद 3 महीने तक ना काटी जाए तब भी बैंकों को कोई शिकायत या एक्शन नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई EMI ना चुका पा रहा हो तो उसको डिफॉल्टर ना माना जाए। हालांकि इसका फैसला RBI ने बैंकों पर छोड़ा है। बैंक तय करेंगे कि किस कर्ज को किस तरह से छूट दी जाए।
सभी कर्जदारों को एक तरफा छूट मिलेगी या बैंक अपनी लोन बुक और कर्जदारों की क्रेडिट प्रोफाइल के हिसाब से रियायत देंगे? अभी इस बारे में बैंकों ने ऐलान नहीं किया है, बड़ी बैंक यानी RBI का ऐलान आ गया है, बाकी बैंक अब करेंगे। कन्फ्यूजन इस बात का भी है कि इसमें अगर बैंक 3 महीने तक EMI नहीं लेंगे तो फिर 4th महीने क्या वो 1 से ज्यादा EMI वसूलेंगे? इस सवाल का जवाब भी अंशुमान ने दिया। ये फैसला तात्कालिक तौर पर उन बहुत सारे लोगों को मदद करेगा जिनकी तनख्वाहें रुक रही हैं, जिनके अकाउंट्स है, जिनके भुगतान डिले हो रहे हैं, जिनकी नौकरियां खतरे में हैं। लेकिन इसके बाद बैंक 3 महीने के बकाए को वसूलेंगे कैसे? क्या एक किस्त में ले लेंगे? अगर एक किस्त में लेंगे तो भारत में कई डिफॉल्ट होंगे, ये कहना मुश्किल है। तो बैंकिंग उद्योग पर सब बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने तक जब उनके पास उनका बकाया और उनके कैश फ्लो ही नहीं होंगे तो उनकी बैलेंस शीट बुरी तरह टूटेंगी, बाजार में बहुत खराब मचेगा, बैंक ब्लीड होंगे, ये उसका एक बड़ा साइड इफेक्ट है। RBI के फैसलों से अर्थव्यवस्था में 3,74,000 करोड़ रुपए का नया पैसा आने का अनुमान है। अभी के हालात में ये अर्थव्यवस्था के लिए विटामिन की तरह है। हालांकि RBI के इन फैसलों के बाद भी शेयर मार्केट ढह गया, सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी से गिरावट दर्ज हुई, शाम तक जाकर कहीं बाजार संभल पाया। सेंसेक्स आज 131 पॉइंट नीचे 29,815 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 8,660 अंकों पर। और सेंसेक्स में गिरावट की वजह अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा है, विकास दर और नीचे जाने का डर है। दर इसलिए भी बढ़ा क्योंकि रिजर्व बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज GDP और इन्फ्लेशन के आकलन रोक लिए, कहा कि अभी ग्रोथ के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। RBI ने तो नहीं बताया, लेकिन कई और संस्थाएं बता रही हैं। ग्रोथ रेटिंग एजेंसी मूडी के मुताबिक 2020 में भारत की GDP 2.5 रहेगी, GDP का ग्रोथ रेट। एक और एजेंसी क्रिसिल का अनुमान 3.5% का है। अगर ये अनुमान सही रहा तो हमारी अर्थव्यवस्था 3 दशक में सबसे नीचे पहुंच जाएगी ग्रोथ रेट के मामले में। बुलेटिन में अब बारी है कोरोना से जुड़े सच और झूठों पर बात करने की। सबसे पहले बात करेंगे गांव में फैल रही अफवाहों की। जौनपुर यूपी की एक जगह, यहां के इलाकों में अफवाह फैली है कि अगर छोटे बच्चों को कोरोना वायरस के प्रकोप से बचाना है तो उन्हें मिठाई खिलाई जाए। इलाके में नेवढ़िया नाम की एक जगह पड़ती है, वहां से ऐसी अफवाहें सामने आई कि अगर सास अपनी बहू को उपहार में साड़ी दे तो घर में कोई अमंगल नहीं होगा। मिठाई, साड़ी। बिहार के कुछ इलाकों में लौंग और कपूर को लेकर अफवाहें चल रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि अगर घर के पुरुषों को लौंग और कपूर को पुड़िया में रखकर बांध दिया जाए तो उन्हें कोरोना वायरस का खतरा नहीं होगा। कानपुर देहात के इलाकों में अफवाह चली कि अगर दाहिने पैर के अंगूठे में हल्दी लगाकर रखी जाए तो कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। यूपी के आजमगढ़ के कुछ इलाकों में अफवाह है कि नीम के पेड़ के नीचे शाम के समय दिया जलाकर रखो तो कोरोना वायरस नहीं आएगा। हम पहले भी आपको अफवाहें बता चुके हैं जिसमें लोग गांव के कुएं में पानी डाल रहे थे और कह रहे थे कि कोरोना वायरस नहीं होगा। यूपी के इलाहाबाद की ओर से इस अफवाह का बदला हुआ वर्जन सामने आया। वहां के लोगों से कहा गया कि वो अगर पानी में सिक्का डालकर कुएं में डालें पानी तो कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। गांव में कोरोना को लेकर न सिर्फ अंधविश्वास फैला है बल्कि डर भी है, और इस डर का नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। यूपी के हरदोई से ऐसी खबर आई। लखीमपुर में रहने वाली एक 65 साल की महिला अपनी बहन के घर आई थी, यानी लखीमपुर से हरदोई। महिला की ट्रैवल हिस्ट्री के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें होम क्वारंटीन की सलाह दी। गाँव वालों को जब ये पता चला तो उन्होंने महिला को गाँव से ही निकाल दिया। जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं, अफवाहें हैं, इनके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। ऐसा कोई भी काम मत करिए। शो में अब बात करेंगे उस सत्य की जो कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है। यूरोप में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के टायरोल राज्य में इशिगल नाम का कस्बा है। इसकी आबादी 1500 है, लेकिन ऑस्ट्रिया की ये जगह कोरोना वायरस फैलाने का एपिसेंटर बन गई। कैसे? यहाँ कई स्की रिजॉर्ट है। सर्दियों में करीब 5 लाख पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ एक रिजॉर्ट में काम करने वाले एक कर्मचारी में फरवरी के महीने में कोरोना के लक्षण दिखे, लेकिन किसी ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। इसके बाद ये वायरस कई लोगों में फैलता गया, उन लोगों में भी जो यूरोप के बाकी देशों से यहाँ घूमने आए थे। इसकी रिजॉर्ट से लौटे आइसलैंड देश के कई लोगों में कोरोना संक्रमण मिला। डेनमार्क ने कहा हमारे यहाँ 1400 लोग संक्रमित मिले, इसमें से 298 वो हैं जो ऑस्ट्रिया के उस रिजॉर्ट में गए थे। और अब खुद ऑस्ट्रिया भी संक्रमण का खतरा झेल रहा है। अब तक 3,911 केस सामने आ चुके हैं। गुरुवार को एक ही दिन में 19% का इजाफा हुआ। अब इसकी रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
एक रिजॉर्ट से कोरोना यूरोप के कई देशों में पहुंच गया। ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, यूरोप का मामला है इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण छिपाने की बात ठीक नहीं है। आप छिपाएंगे, लापरवाही करेंगे तो दूसरों को होगा और बढ़ते बढ़ते ये इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर संक्रमण के लक्षण हैं तो तुरंत अस्पताल से या हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करिए। आपने कोरोना से जुड़े सत्य सुने, झूठ सुने, अब एक पॉजिटिव न्यूज बताते हैं। झारखंड का एक जिला है बोकारो। बोकारो में सैनिटाइजर की दिक्कत को लगभग खत्म कर दिया गया है। कैसे? बोकारो के जिला प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से खुद का सैनिटाइजर बना लिया और इसका दाम बाहर बाजार में मिलने वाले सैनिटाइजर की कीमत का पांचवा हिस्सा 220 रुपए में एक लीटर सैनिटाइजर मिल रहा है और ये काम करवाया है बोकारो के डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार ने। मुकेश कुमार ने दी ललनटॉप को बताया कि झारखंड में जनता कर्फ्यू के दूसरे दिन से ही लॉकडाउन है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक अल्कोहल फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया था। बाद में जब प्रशासन ने देखा कि हैंड सैनिटाइजर की मांग ज़्यादा बढ़ गई है और ये लोगों को मिल नहीं रहा तो खुद का सैनिटाइजर बनाने के बारे में सोचा गया। फिर प्रशासन ने दोबारा उस फैक्ट्री को खुलवाया। सोशल एक्टिविस्ट, केमिकल इंजीनियर, एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोगों की मदद ली। सब ने मिलकर हैंड सैनिटाइजर बनाया और नाम दिया स्माइलिंग बोकारो। मुकेश कुमार के मुताबिक एक लीटर सैनिटाइजर बनाने में लगभग 200 रुपए का खर्च आया, 10 रुपए डिजास्टर चार्ज जोड़ लिया गया, 10 रुपए वेलफेयर के लिए जोड़ लिया गया जो लोग जुड़े हैं उनके हित के लिए, और 220 रुपए में सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। जिले की 249 पंचायतें हैं, वहां पर फ्री में भी 10-10 लीटर सैनिटाइजर दिया गया। इसके अलावा ANMs को, आशा दीदियों को, ब्लॉक ऑफिस को, सब डिविजनल ऑफिसेस को भी मुफ्त में सैनिटाइजर दिया गया। ये कहानी बताती है कि जहां चाह है वहां राह है। अभी हमें ऐसे बहुत से उदाहरणों की ज़रूरत है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि नीति नियंता, प्रशासन ऐसे ही नवाचार से लैस होकर इस महामारी से लड़ेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज की कहानी के साथ। कार्तिक सरकार द्वारा किए लॉकडाउन को कोस रहा था। उसका चेन से बंधा कुत्ता टफी काफी देर से उसे घूर रहा था। खाना पीना कैसे खाएंगे, दूध वगैरह भी मिलेगा या नहीं पता नहीं, सब बंद है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इतने में अचानक से टफी भौंका और इंसानी जबान में बोलने लगा। इंसानी जबान में कहानी यहीं रुकती है। पूरी कहानी पढ़नी है तो आपको इंस्टाग्राम पर हमारे पेज पर जाना होगा, लटक पर, कहीं नहीं भटकना, जाना है लटक पर। लटक यानी कि लल्लन टॉप कहानियाँ और इसका पता latak.lallantop। आपके पास भी कोई छोटी सी कहानी हो तो भेजिए latak.lallantop@gmail.com पर। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।